हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो सब स्वस्थ होंगे? तो आज सैटरडे है, सैटरडे को अब बच्चों को स्कूल की छुट्टी हो गई है। सर्दियों के सारे कपड़े निकले थे, अब उनको एक एक करके धो के सारे कपड़े रखने हैं। तो अभी मैं दिखा रही हूँ मेरे घर का कमरे का क्या हालत है। देखिए, मैं अलमारी पूरा ये खाली की हूँ। ये देखो नीचे कपड़े की, और मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। ये देखो पूरा हमारे अलमारी का क्या हालत है। ये चीज़ में ना डेली यूज के कपड़े इसमें रखते हैं, इधर ये इसमें नए कपड़े पूरे कमरे का। इधर बिस्तर का भी यही हालत हो रखा है। बच्चे घर पे रहते हैं ना तो ऐसे ही होता है, पूरे कमरे में कपड़ा कपड़ा। अभी मेरे को आज पूरा दिन लगेगा इसको समेटूँगी। अभी होली का भी पैकिंग करना है, तो उसमें से एक एक करके निकाल लूँगी सारा सफाई करने के बाद। तो अभी हम सब सफाई करते हैं। देखो घर में पूरा हल्ला है, कुछ रिश्तेदार भी आए हैं, उन लोग से सारे बातें खाना वाना बनाने के बाद अब ये सब काम करते हैं। चलेंगे शाम को फिर अभी साफ कर अलमारी के समेट दी हूँ सारा। और इधर इस थैले में कपड़ा रखी हूँ प्रेस करने के देने के लिए। और इधर ये हो गया है। अभी बच्चे बहुत सारा काम है, तो इधर भी कपड़े रखे हैं जो किसी को देने हैं, छोटे होगा है बच्चों को। और इधर देखो ये सब देने वाले कपड़े मैंने थैला में बोरे में भर के रखे हुए कि किसी को दे देंगे छोटे बच्चों को कपड़ा। अब क्या करें समझ। बच्चों को कल लास्ट डे था, बच्चे बहुत मस्ती किए। कल उनके स्कूल में पार्टी था, क्योंकि माही सेम डे सेम क्लास में 2 साल से थी। और अभी साल अभी तो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, फर्स्ट में चले गए। और सो गाइस, अभी थोड़े से काम मेरे, थोड़े से अलमारी को मैंने समेट लिए हैं। बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म भी वॉश करके छत पर धोने को डाल दिए थे, क्योंकि अब सर्दी ख़त्म हो गई। सर्दी का यूनिफॉर्म पहन के बच्चे जा रहे थे, तो विंटर का अब तो समर का लेना पड़ेगा। माही का लास्ट डे कल था बच्चों का दोनों का ही। और अब थोड़ा सा मतलब पीपी और पीएस के टीचर ना बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी। बाबू की तो थोड़ी सी है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी माही की थी। बट माही की टीचर बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल थी, बहुत हेल्प करती थी बच्चों को पढ़ाने में। बहुत मेहनत जैसे होता ना, वैसे बच्चों पे हर तरीके से मेहनत, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से करवा रही थी। अब देखते हैं फर्स्ट में कैसी टीचर मिलती है। और नेक्स्ट अब इनका लास्ट तो हो गया, और फिर फर्स्ट के लिए सब नया सब ड्रेस बुकों का भी लेंगे। अभी गांव से आने के बाद ये सब लेंगे। अब बच्चे मेरे अभी 5 ईयर्स की ही हुई है, फर्स्ट में चली गई। अभी इधर देखिए बिस्तर पे भी मेरा कंबल पड़ा है, बाबू लेट के फ़ोन देख रहा है। अभी ये सब भी समेट के अब एक एक करके सबको रखना है। सर्दी अब तो है नहीं, हल्के कंबल की सर्दी पड़ रही है, तब वो सब यूज होगा। तब ये मोटे वाले कंबल सब ड्राई क्लीन करवाएंगे, रख देंगे। फिर देखते हैं, बहुत सारे सामान निकले घर में से अभी बहुत। तो गाइस, मैं ब्लॉग को एंड नहीं करी थी, तो अभी सुबह हो गया है। सुबह का नाश्ता बन रहा है, संडे है। संडे को आज मैं बना रही हूँ जवे और चाय, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है जवे। आप लोग भी बना कर संडे का नाश्ता में खा सकते हैं, जो कि बहुत तो हमारे हेल्थ शरीर के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय में अदरक घिया कस करके डाल रही हूँ। इन लोगों को अदरक इतना पसंद है हमारे घर में, इस वजह से मैं अदरक को घिया कस करके डाल रही हूँ। सब डालते होंगे बट मैं बता रही हूँ अपना। सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, बनाते वही है बट तरीका अलग अलग होता है। और इधर हमारा जवे का मसाला भी मैं रेडी कर रही हूँ। जवे मतलब वो मोटे वाली सेवई जो आती है ना, उसी का नमकीन वेज सेवई या बोल सकते हैं, वो वाला बना रही हूँ नाश्ते में आज। बच्चों को तो नहीं पसंद है उतना, बट मुझे ला के रखे थे तो मैं तो सोचा आज यही बना देते हैं। हर संडे को अलग अलग। आज ब्रेड अंडा नहीं खाया, नहीं तो शुरू से ही हमारे हस्बैंड ब्रेड अंडा ही ब्रेड ला के भी रखे थे। देखो सामने दिख भी रहा, ब्रेड लाए थे बट आज बोला कि नहीं आज ब्रेड नहीं खाना है, आज ये मैं बना देती हूँ। तभी बना के इधर बच्चे भी आ गए हैं, बाबू उसको मैं थोड़ा प्यार भी। क्या खाएगी बेटी? क्या खाओगी? हाँ? क्या खाएगी? क्या खाएगी? क्या
खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, मेरा बेटा तो खाएगा। और मामा को किसी करो लिख, हाँ इस पे लिख पे लिख। मेरा सोना बच्चा, चल जाओ खेलो अब। अब मम्मी जल्दी से फटाफट नाश्ता बना के ले आके बाबू को नहलाना भी है। बाबू का दो दिन तीन दिन हो गए ना नहाए हुए। तभी बाबू आया था, उसको प्यार थोड़ा सा, सुबह सो के उठते हैं ना बच्चे तो उनको प्यार करना जरूरी होता है, नहीं तो उनका भी मूड अपसेट हो जाता है कि मम्मा प्यार ही नहीं करी। तभी वो करने के बाद दोनों बच्चे अभी क्या पेस्टी लाए थे इसके पापा। मेरे बच्चों को आप देखते होंगे वीडियो में हमेशा पेस्टी, इनको इतना पसंद है। इसके पापा हर बार हमेशा अलग अलग ला कर पेस्टी, अभी छोटा मिनी केक आजकल आने लगा है पेस्टी के बदले, तो ये दोनों के लिए लेके आए थे। दोनों बहुत खुश होते हैं देख के इनको, मतलब हम सोचते हैं कोई बात नहीं, माँ बाप ही तो बच्चे को सब कुछ ला के देते हैं, छोटे हैं जब तक इनको जो मांगते हैं वो ला के दे देते हैं। बाकी मम्मी कभी कभी बोलती है सारे जिद पूरा नहीं करो बच्चे का, नहीं तो इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि पूरा ही ना करें, बट बच्चे हैं मांगते हैं तो दया आता है। मैं दे देती हूँ ला के। तभी इधर हमारा नाश्ता भी बन चुका था, सबके लिए नाश्ता निकाल दी थी, अभी चल रहा है कपड़े के धोने के लिए। देखिए बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो आज हमें पहले सबके जूते धोने हैं मशीन में, बहुत सारे जूते हो गए थे। हस्बैंड के भी बहुत सारे जूते गंदे हो गए थे, बच्चों का स्कूल ऑफ हो गया है, तो इनका भी शूज वगैरह मैं धो के जो छोटे हो गए हैं मैं सोच रही हूँ धो के किसी को दे दूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी नया ही जैसे है। तब फेंकना मुझे सही नहीं लग रहा है, ऐसे काम वाली आंटी आती हैं उनको, उनके बच्चे छोटे हैं उन्हीं को दे दूँगी तो वो ले जाएंगी। तो पहले मैं साफ कर दूँ, मशीन लगा देती हूँ। इधर बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, उनको नहलाना था इस वजह से। उसके बाद हम निकल गए मार्केट, तो यहाँ मार्केट हमारी भी एंट्री देंगे, अब ये इंट्रो कर रही है। तो अभी मार्केट हमें जाना है, कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है होली की, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। और हस्बैंड के ऑफिस जाना है, वहाँ इनको थोड़ा सा कुछ काम है, इस वजह से हम लोग निकले थे। हम जा रहे हैं कृष्णा नगर मार्केट में, वहाँ से कुछ दीदी के पार्लर के लिए सामान लेना था वही लेंगे, और हस्बैंड के लिए कुछ सामान लेना था, गाँव जाना है। तो आप चलते हैं मार्केट दिखाएंगे। अभी हम घर से निकल गए थे, घर पे इतना बच्चे करते हैं ना कि वीडियो भी नहीं बना पाते हैं इनका खान पी के, और घर में कुछ मेहमान गेस्ट आए हैं तो उनका वजह से थोड़ा सा घर में टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। अभी चल रहा है हस्बैंड के ऑफिस के पास, गाड़ी को पार्क करेंगे उसके बाद जाएंगे। सब मार्केट के अंदर पहुंच गए, मार्केट में गाड़ी से नहीं आए, तो गाड़ी ऑफिस के पास ही पार्क कर दिए थे। उसके बाद हम रिक्शा लेके आए थे, यहाँ बच्चों के साथ आए थे, इनको शूज लेना था और इनके कपड़े लेने थे। बट बच्चों ने इतना परेशान, इतना बड़ा कांड कर दी बेटी ने कि हमारा सारा मूड ऑफ हो गया। तभी मैं बताती हूँ क्या की थी। तो अभी देखिए यहाँ शूज़ के शॉप पे आए थे शूज लेने, इसको हम लोगों ने जूस दिलवाए थे, जूस पी के पूरे कपड़े पे गिरा के गीला, इसके वजह से हम लोग ज़्यादा देर तक मार्केट में रुक नहीं पाए, पूरा ही गीला सेक ली थी, सेक के लिए परेशान करी थी, पूरा गीला कर ली थी। फिर मार्केट से ही हमने कपड़ा लेके पहना दिए थे। अभी हम आ गए हैं घर, क्योंकि शॉपिंग पूरा हमारा हो नहीं पाया था, घर आते ही भूख भी लगी थी, तो हमारे उधर से ही मटन लेके आए थे हस्बैंड, अब वो बना रही थी। थकान तो हो ही गया था, बट खाना खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो मम्मी से फ़ोन करके बोल दिया था, तो मम्मी को सब लहसुन वहसुन छील के रखी थी, चावल वावल भिगा के रखी थी, तो आके फटाफट चढ़ा दी मैं, बन गया। उसके बाद खाना खाने के बाद अब इस ब्लॉग को अब हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इधर बच्चे भी इतना सतानी कर रहे थे, इसके वजह से वीडियो भी हम हर टाइम पे शूट भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको देखना होता है और ये इतना परेशान।